नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं श्वेता। स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था पड़ रही भारी। प्रसव होने के बाद प्रसूति महिला ने तोड़ा दम, परिजनों में शोक की लहर। जाहिर की सिविल अस्पताल लांजी पर नाराजगी। लांजी, लचर स्वास्थ्य सेवाओं के चलते सिविल अस्पताल लांजी में बच्चा जन्ने के बाद रक्त स्राव एवं खून की कमी होने के कारण महिला को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर कर दिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि सिविल अस्पताल लांजी में प्रसूता महिलाओं को अधिकतर रेफर क्यों किया जाता है? क्या लांजी सिविल अस्पताल में शोभा बढ़ाने के लिए है, जहां पर ना तो प्रसूति महिलाओं को उनके इलाज हेतु कोई सेवा उपलब्ध हो पाती है? जहां देखा जाता है कि लांजी में प्रसूति महिलाओं को सोनोग्राफी करवाने हेतु बालाघाट जिला या फिर अन्य राज्य जैसे महाराष्ट्र भिजवा दिया जाता है, जबकि दूरी लगभग 50 से 60 किलोमीटर तय करनी होती है। वहीं एक और प्रसूति महिला अपना दर्द लेकर चेकअप करवाने लंबा सफर तय करके भी अपनी जान की सुरक्षा करती है, उसके बावजूद भी लांजी सिविल अस्पताल में जांच एवं चेकअप के नाम पर कोई व्यवस्था नज़र नहीं आती है। कुछ महिलाओं को तो आधे रास्ते पर ही जननी गाड़ियों में डिलीवरी करवानी पड़ती है। महिला डॉक्टर होने के बाद भी सिविल अस्पताल लांजी में प्रसूति महिलाओं का सुचारू रूप से इलाज नहीं हो पाता। लांजी सिविल अस्पताल में यह भी देखा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद वाले केस को भी डॉक्टर द्वारा रिफ़र कर दिया जाता है और डॉक्टर से पूछने पर बताया जाता है कि बच्चा पेट में उल्टा है या बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है। वह तरह तरह की समस्याओं के सामने रख दिया जाता है और उनके द्वारा रिफ़र कर दिया जाता है। वहीं केस मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम भाने गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में उस प्रसूति महिला की डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। क्या यही सिविल अस्पताल लांजी की उत्तम व्यवस्था है, जहां पर एक प्रसूति महिला को अपनी जान बचाने हेतु उच्च व्यवस्था का इंतजार करना पड़ता है? एक और प्रसूति महिला अपने दर्द से परेशान रहती है, वहीं सिविल अस्पताल लांजी की नर्सों का चिड़चिड़ा वह रवैया देखकर प्रसूति महिला और भयभीत हो जाती है। नर्सों के द्वारा मरीजों के साथ ठीक तरह का रवैया ना अपनाते हुए उनके साथ भेदभाव का रवैया अपनाया जाता है और प्रसूति महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने की जगह नर्सों के द्वारा कहा जाता है कि आप बालाघाट जिला या फिर महाराष्ट्र गोंदिया में अपना इलाज करवा सकते हैं। एमपीसीटी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। कहाँ रहते हो आप? लतिका के कौन है आप? पति। क्या नाम था उनका? संगीता। संगीता, क्या हुआ था इनको? इतने डिलीवरी का टाइम था। अच्छा, कहाँ एडमिट किए थे आपने? सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल कहाँ? लांजी। लांजी, फिर वो क्या है, कल रात में 11 बजे एडमिट किया। रात में? रात भर तो इसी तरह कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ। दूसरे दिन 12 बजे बाद में फिर थोड़ा सा दर्द से हुआ। अच्छा, 12 बजे बाद में फिर ढाई पंतिम बजे की डिलीवरी हुआ। डिलीवरी जस्ट 10-15 मिनट बाद में ब्लड निकलना चालू हो गया। अच्छा, फिर वहाँ की फिर जो नर्स वगैरह है वो बोले यहाँ से रिफर करो, बोले जल्दी अर्जेंट बोले। उन्होंने बताया नहीं कि आप यहाँ ब्लड की व्यवस्था करो? तो कुछ नहीं, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। समय नहीं दिया? समय मतलब मौका ही नहीं दिया, सिर्फ आपको रिफर करने के लिए बोल दिया गया। आपको ये नहीं बोला गया ब्लड ब्लड के लिए नहीं बोला गया आपको की व्यवस्था करो? किसने, नर्स ने बोली की बालाघाट ले जाओ या गोंदिया ले जाओ? वहाँ पे एक नर्स थी पतली सी। तो रिफर कितने बजे रिफर किया गया? ये कुछ 4:30। तो क्या आपके द्वारा फिर कहाँ ले जाएगा? वो बोले बूढ़ी लेके जाओ, क्योंकि बूढ़ी में सक्सेस काम नहीं होता। चलो ठीक ठीक। मैम आपका नाम? डॉक्टर सुजाता। किस पद पे मैम? मैडम जैसा देखा गया कि पीपल गांव की प्रसूति महिला कल जिसको आपके द्वारा रिफर किया गया बालाघाट, क्या कारण था मैडम क्यों रिफर किया? वो पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, रक्तस्राव अधिक हो रहा था। तो रक्तस्राव डिलीवरी तो बहुत अच्छे से हुई, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, लेकिन जो ब्लीडिंग अधिक होने के कारण उसको पूरा हम लोग ने मैनेज किया कि ब्लीडिंग किस कारण से हो रहा है और उसका जो ट्रीटमेंट, जो इंजेक्शन वगैरह लगाना चाहिए जिससे ब्लड वगैरह बंद हो जाए, सारा ट्रीटमेंट मैनेज करने के बाद उसको तत्काल
तत्काल में हमने जर्नी गाड़ी बुलाकर उसको बालाघाट जिला अस्पताल भेजे ताकि वहाँ उसे ब्लड लग जाए और उस महिला की जान लग जाए। मैम, तो जब आपके द्वारा बालाघाट रेफर किया गया तो जर्नी ड्राइवर द्वारा उनको कहाँ लेकर गया, क्या जिला अस्पताल लेकर गया? जर्नी ड्राइवर द्वारा उसे हमने जिला अस्पताल ही भेजा था, और उस ड्राइवर ने फिर उसको कहाँ लेकर गया इसकी जानकारी हमको नहीं। तो मैम, ये आपके आदेशों का उल्लंघन हुआ। हाँ, तो मैम इस पर क्या कार्यवाही होगी? इस तरीके का होने पर हम लोग अपने CMO सर को बताते हैं कि सर, मतलब ये हम लोग सबसे पहले, हमारे पास हेल्प डेस्क है, एक सुमन हेल्प डेस्क है, वहाँ दो जो लेडी कर्मचारी रहती हैं, काजल पटले और पुष्पा दसरिया, हम लोग उनसे जानकारी लेते हैं कि हमने जल्दी गाड़ी से इस पेशेंट का, मतलब उसका नाम वगैरह बताकर, टाइम बताकर कि डेट बताकर कि हमने रिफर किए तो वो पहुँचे कि नहीं, तो वो हमें जानकारी देते हैं। क्या मैडम वो प्रसूति महिला की जो मृत्यु हुई रास्ते में, तो इसकी जानकारी आपको? नहीं, वो उसकी जानकारी मैम, जो प्रसूति महिला की मृत्यु हुई तो इसका जवाबदार कौन होगा, क्योंकि आपने तो उसको जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया लेकिन उनको वहाँ ले जाया नहीं गया, तो इसका जवाबदार कौन होगा? इसके लिए तो जिला अस्पताल की जवाबदारी बन मैम, लेकिन जिला प्लस उनकी भी जवाबदारी बनती है कि जब हमने जर्नी ड्राइवर से तुरंत उसे रिफर किया है तो एक जवाबदारी बनती है कि उसको वहाँ पे तत्काल भर्ती करा के उसका इलाज प्रारंभ करा। परंतु मैडम वो तो वहाँ तक पहुँची ही नहीं। तो किस विषय में, तो मैम इस प्रकरण में क्या कार्रवाई होगी और इसका, इस मृत्यु का जवाबदार कौन होगा? इसकी तो अब देखो, इसका एक जांच हो, मतलब पता करेंगे कि पता करना पड़ेगा, मतलब ये वहाँ क्यों नहीं पहुँची, क्या कारण है, क्या कारण कि जी वो जिला अस्पताल क्यों नहीं पहुँची। तो मैडम जैसे खून की कमी बताया आपने, तो वो व्यवस्था लाजिमी क्यों नहीं की गई मैडम? उसका जो ब्लड ग्रुप था ए पॉजिटिव, वो वाला ब्लड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हो सकता था मैडम अगर जानकारों पे जानकारी में डालते तो व्यवस्था हो जाती। नहीं, ब्लड आने में वक्त लगता है वहाँ से, बालाघाट से यहाँ पे।